हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को पीपली अनाज मंडी का दौरा किया। उनके साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और लाडवा विधायक मेवा सिंह भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान की फसल को अब MSP से कम दाम में खरीदा गया है और अब जाकर MSP पर खरीद शुरू की। अब भी किसानों की समय पर पेमेंट नहीं की जा रही। जितनी धान पूरे हरियाणा से मंडी में आनी है अब तक उसमें से सिर्फ 5% की खरीद हो पाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 3 अध्यादेश किसानों के लिए हानिकारक है। पहले 200-200 रुपए सस्ता बिक गया तो किसान लेके आया, और 25 तारीख से जो इन खरीद करी थे उसकी पेमेंट अब तक नहीं हुई किसान की। कहाँ जाएगा किसान, और इसका कटौती भी ज़्यादा है तो किसान को हर तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जबकि 72 घंटे में पेमेंट हो जानी चाहिए थी, जो लिफ्टिंग चल रही है और जो आवक होनी है सारे हरियाणा की, मेरे ख्याल में आवक की 5% भी अभी खरीदनी हुई है, जबकि पूरे अभी तो मेरे ख्याल में हाँ सारी सड़कों पे अनाज पड़े हैं और बेचारा किसान रात को अपने अनाज पे सो रहा है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। और जो सरकार का ये क्लेम है कि एक एक दाना खरीदा जा रहा है, बिल्कुल गलत है। किसान परेशान है, MSP से भी कम बिका, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी वो पोर्टल में समस्या है क्या करी गई है ये तो जाने। पहले हमारे समय में क्या पोर्टल था, 72 घंटे पेमेंट होती थी। पोर्टल में समस्या है, इतना पेमेंट तो हो किसान की, ये कोई जरिया तो बनाए, तुरंत इसकी पेमेंट किसान की करनी चाहिए। और जिस प्रकार से किसान की जो पहले सस्ता बेच गया उसकी पूर्ति करनी चाहिए। सर, 3 कृषि कानून को लेके आप लड़ाई क्यों विरोध कर रहे हो? सर, 3 कृषि कानून है, जो 3 कृषि कानून है सर, उसके लिए क्यों विरोध कर रहे हो? सर, किसान को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, बर्बाद करेंगे किसान के। MSP का जिक्र ही नहीं है वहाँ, तो MSP का जिक्र ही, हमारी यही मांग है 4th कानून ले आओ, MSP की गारंटी दो, और ये को जो MSP से कम खरीदे वो उसको सजा होनी चाहिए। इस प्रकार से 2 मंडी बना दी, एक एक मंडी है जिसमें मंडी टैक्स भी है तो किसानों के काम आता था, और एक बाहर उसमें कोई किसी भाव खरीदे तो रोक नहीं। होर्डिंग था आलू प्याज का, होर्डिंग ख़त्म कर दिया ताकि धन्नाट आदमी को फ़ायदा हो, और PDS पे भी फ़र्क पड़ेगा इसके, गरीब आदमी लेते हैं। तो ये किसान विरोधी और गरीब आदमी के विरोध में है। यहाँ खाली किसान किसान नहीं, इसका नुकसान किसानों को भी है, आढ़तियों को भी है, मजदूर को भी है, और जिन गरीब आदमियों को अनाज मिलता है उनको भी है। इस वास्ते इसको या तो इन कानून को रद्द करें या 4th कानून लेके आए। स्वामीनाथन आयोग के आपके जैसे मुख्यमंत्री मधु आयोग का, उसमें चेयरमैन भी रहे, तो क्यों नहीं सर सिफारिश की गई, क्यों नहीं सर स्वामीनाथन आयोग लागू किया गया? नहीं, स्वामीनाथन आयोग जो था उसके बाद वर्किंग ग्रुप बना मेरे में, उसमें बहुत सारी लागू कर दी थी, जैसे किसान को ब्याज जो अपने शॉर्ट टर्म लोन है 4% पे, हरियाणा में 0% है, पूरे देश में 4% पे कराया, उससे पहले 12% था, और ये रिकमेंडेशन थी C2 पे स्वामीनाथन का वो दें, और यही कारण है कि उस तरफ बढ़ रहे थे। पिछले UPA सरकार में हर साल बढ़ोतरी 15%, 12%, 16%, 20%, 30% तक हुई, और ये अब ये सरकार में बढ़ोतरी 3%, 4% कर गए, जबकि लागत बहुत बढ़ गई। डीजल हरियाणा में सबसे सस्ता था हमारे समय में, वेट पे, ये फर्टिलाइजर पे कोई टैक्स नहीं था, ट्रैक्टर पार्ट्स पे कोई टैक्स नहीं था, अब सब पे तो टैक्स हो गया। पेस्टिसाइड्स पे देखो, पेस्टिसाइड पे हो गया, लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई, और समय पे पेमेंट नहीं मिलती, तो किसान समस्या में। और जब किसान समस्या में होता है तो पूरा देश समस्या में होता है, ये समझना चाहिए। अधिकारियों से हुई है सबसे, गलत है। फिर ये कानून, एक तो कानून कह रहे हैं, कानून बना दिए हमने, फ्री मूवमेंट कर दी, एक मेरी फसल मेरी पैरों का मतलब क्या रह गया?
या तो ये कहे हम ये कानून मानेंगे, ये कानून मानेंगे क्या है? ये 1845 रुपए बिक रही है। 18 ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।